क्या है भारत के बहुजन समाज के लोग जिस दिन दिल्ली के कुर्सी पर लाल किले पर बहुजन समाज का बंदा पहुंचेगा उस दिन भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू करा देगा। और जिस दिन भारत का संविधान लागू हो जाएगा उस दिन सामाजिक आर्थिक राजनीति में सभी को बराबर का हक मिल जाएगा कि बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान को बदलना चाहते बहुजन की आजादी को खत्म करना चाहते हैं, हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुजन की आजादी को बताने के लिए मैंने बीजेपी पार्टी को लात मार दिया और संसद पद मैंने छोड़ दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुजन की आजादी को बताने के लिए मैंने बीजेपी पार्टी को लात मार दिया और संसद पद मैंने छोड़ दिया। जी अमर रहे महात्मा ज्योतिबाराव फूले जी, अमर रहे माता सावित्री बाई फूले जी, अमर रहे माता सावित्री बाई फूले जी, अमर रहे भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। साथियों मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूं न्याय अधिकार महासम्मेलन के कार्यक्रम के हमारे आयोजक गणों का कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत के संविधान में हमको भारत के बहुजन मूल निवासी साथियों को जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी का अधिकार जो देने का काम किए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज के दिन हमारे आपके बीच से चले गए। आज हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ना रहने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत के संविधान में हमको बराबर की भागीदारी दिए थे, सामाजिक आर्थिक राजनीति में जो हमको बराबर का हिस्सा मिला था, जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक वही लोग वहाँ पहुँचते रहे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारतीय संविधान को देखना नहीं चाहते, जो हमारे हक को देखना नहीं चाहते, हमारे आरक्षण को देखना नहीं चाहते, अब तक वही लोग वहाँ पहुँचते रहे। अभी मैं लोकसभा के पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं गई थी। मैंने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उंगली उठा करके लोकसभा की तरफ हम बहुजन समाज के लोगों को बता रहे हैं। क्या है भारत के बहुजन समाज के लोग जिस दिन दिल्ली के कुर्सी पर लाल किले पर बहुजन समाज का बंदा पहुंचेगा उस दिन भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू करा देगा। और जिस दिन भारत का संविधान लागू हो जाएगा उस दिन सामाजिक आर्थिक राजनीति में सभी को बराबर का हक मिल जाएगा। लेकिन वारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, एक अकेला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए उन्होंने अधिकार दे करके चले गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए अधिकार के तहत हमारे करोड़ों लोग उसका लाभ उठा करके और उनके बनाए गए भारत के संविधान को बचाना आज भी एक मंच पर नहीं है। बहुत दुख हो रहा है साथियों, मंच पर हमारे साथी बैठे हैं, सांसद जी भी बैठे हैं, विधायक जी भी बैठे हैं, मंत्री जी भी बैठे हैं। साथियों मैं भी सांसद रही हूं। 2014 में जब मैं लोकसभा में पहुंची तो कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई तो मैं सदन से लेकर सड़क तक मैंने बहुजन समाज के लोगों को बताने का काम किया। मैं लखनऊ में, दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रम करके समाज के लोगों को आगाह करने का काम किया। मैं 2017 से आवाज उठा रही हूं कि हमारा भारत का संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारी आजादी खतरे में है,
हमारी बातों को लोगों ने हल्के में लिया, और जब मेरी बातों को हल्के में लिया, जब मैं लोकसभा की सदन में संविधान को लागू करने के लिए मैंने मांग किया, तो मुझे बुला करके और कहा गया कि आप बीजेपी की सांसद हो, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के वोट और नोट से जीत करके आई हो, जो बीजेपी कहेगी, जो सरकार कहेगी, उसके अनुसार आपको चलना होगा। तो मैंने जवाब दिया, मैंने प्रधानमंत्री जी को जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारी सरकार, आपको पता होनी चाहिए कि सरकार में हो, सरकार और पार्टी की कितना दिक्कत होगी। हमने कहा अगर आपको सरकार चलाने की दिक्कत हो रही है, अगर आपको सरकार बचाने की दिक्कत हो रही है, पार्टी चलाने की अगर दिक्कत हो रही है, तो मुझे, हमको भारत के संविधान को बचाने के लिए मुझे आपका पार्टी नहीं चाहिए, आपका सांसद पद नहीं चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुजन की आजादी को बताने के लिए मैंने बीजेपी पार्टी को लात मार दिया और सांसद पद मैंने छोड़ दिया। लोग सांसद विधायक बनने के लिए परेशान है, लोग बनने के लिए परेशान है, लेकिन संविधान को बचाने के लिए मैंने अपना सांसद पद छोड़ दिया। जब मैं सांसद थी तो लाख रुपया मुझे तनख्वाह मिलते थे, जब मैं सांसद थी तो 25 करोड़ रुपए की निधि मिलती थी, जब मैं सांसद थी तो जहाज से चलने का अवसर मिलता था, जब मैं सांसद थी तो दिल्ली में बड़े बड़े बंगले मिलते थे, जब मैं सांसद थी तो बहुत प्रोटोकॉल था। लेकिन जब हमारा संविधान ही नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, आरक्षण ही नहीं बचेगा, आजादी नहीं बचेगी, तो क्या हम, हमारे जैसे लोग सांसद विधानसभा में पहुंच पाएंगे? क्या हमारे लोग पहुंच पाएंगे? साथियों, मैंने लोकसभा से लेकर सदन से लेकर सड़क तक बहुजन समाज की आजादी को बचाने के लिए मैं निरंतर आवाज उठा रही हूं, और मैं भारत के बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहती हूं कि अगर चाहते हो संविधान, अगर चाहते हो संविधान में दिया गया कानून, अगर आप चाहते हो आजादी, तो सारे बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आओ, एक मंच पर आओ, एक मंच पर आओ, अपना ईगो खत्म करो, अपना घमंड खत्म करो। अगर चाहते हो संविधान में दी गई आजादी, तो अपना ईगो खत्म करके एक मंच पर आना होगा। जो लड़ाई आपकी है वही लड़ाई हमारी है, और जब दोनों की एक लड़ाई है तो सबको एक मंच पर आना ही पड़ेगा। और यदि लोग नहीं आएंगे तो नेता पीछे होंगे और जनता आगे होगी। अब संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुजन समाज को बचाने के लिए अब जनता निर्णय ले रही है, आंदोलन के लिए तैयार है। गांव में, शहरों में कार्यक्रम होता है, जनता आवाज उठा रही है कि आखिर सारे नेता एक मंच पर क्यों नहीं। और अगर जनता के कहने अनुसार नेता इकट्ठा नहीं होते हैं तो नेता पीछे होंगे और जनता आगे होगी, भारत के संविधान, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए। साथियों, जागो, जागो, मेरे लिए ना सही, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आजादी को बचाने के लिए, संविधान में दिए गए कानून को बचाने के लिए जागो, वरना बहुत समय नहीं बचा है, वो बहुत समय नहीं बचा है। 2024 उनके लिए भी लास्ट है कि अगर 2024 में आएंगे तो संविधान खत्म करेंगे, और अगर 2024 में हमारा बहुजन समाज का बंदा दिल्ली के कुर्सी लोकसभा में पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हम संविधान को बचा लेंगे। और अगर कहीं चूक हुई तो पूरे भारत की बहुजन की आज़ादी हमारे खतरे में पड़ेगी। अभी नागेंद्र पाल गौतम जी आपके बीच में आए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने बुद्ध विचारधारा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा की बात की है, तो उनको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। साथियों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि हमारे बहुजन समाज के नेता आवाज उठाते हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ अगर नेता आपके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं तो जनता को साथ देना चाहिए। हम सबको मिलकर के मैं आप लोगों से ही अपील करूंगी
कि मैं 26 नवंबर को पिछले साल 2021 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए मैंने कांशीराम सोती उपवन की फील्ड उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैंने बहुत बड़ी रैली किया था और उस रैली में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र प्रकाश अंबेडकर जी को बुलाई थी, कांशीराम साहब जी की बहन को बुलाया था, 105 सामाजिक संगठन के लोगों को मैंने मंच पर इकट्ठा किया था, दलित पिछड़ा आदिवासी मुस्लिम समाज के लोगों को मैं एक मंच पर इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश में विकल्प को मैंने चुना था, उत्तर प्रदेश में विकल्प के रूप में मैंने अखिलेश यादव को चुना था और उत्तर प्रदेश में विकल्प में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तरफा मतदान किया, एक तरफा मतदान जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किया, लेकिन एक साजिश के तहत हम सरकार नहीं बना सके, हम सरकार नहीं बना सके, चूक हुई, अब उस चूक से सीख भी ले लिए हैं, अब गलती नहीं होगी और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में 2024 में पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को मैं एक मंच पर करने के लिए मैं आप लोगों से अपील करती हूँ। आए हुए सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक संगठन के लोगों से मैं अपील करती हूँ कि बहुजन का बहुत बड़ा एक मंच हो और उस मंच पर अगला 26 नवंबर संविधान दिवस पर 2023 में रामलीला ग्राउंड पर भारत के सभी बहुजन समाज को एक मंच पर ला करके संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप सभी लोग एक आए। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान दिवस आप लोगों ने देखा कि बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार बाबा साहब की तो जयंती मनाने के लिए तैयार है लेकिन संविधान को बचाने के लिए, संविधान में दिए गए कानून को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों को भी, पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर आकर के ऐलान करना होगा कि या तो भारत के संविधान लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। इस लड़ाई को अब हमको लड़ना होगा। पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि एक मंच पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक मंच पर आना चाहिए, सभी लोग को एक मंच पर आएं और संविधान को बचाने के लिए हम सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ें।